हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैथोलिक एजुकेशन। आई एम राहुल प्रजापति। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2, रिलेशन एंड फंक्शन। इन दिस चैप्टर वी टॉक अबाउट रिलेशन एंड फंक्शन। इन आवर डेली लाइफ वी मैनी पैटर्न्स दैट कैरेक्टराइज रिलेशन सच एज फादर सन स्टूडेंट टीचर ब्रदर सिस्टर। इन मैथमेटिक्स वी ऑल्सो कम अक्रॉस many relations such as line L is parallel to line M, number A is less than number B, set A is subset to set B। तो ये सारे relations में हमने note क्या किया कि जब भी relation की बात हुई तभी हम पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मतलब रिलेशन हमें डिफाइन करना होगा तो हमें पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए। हम ऐसे नहीं रिलेशन कभी डिफाइन करते हैं कि टू लेस देन, ऐसे नहीं करते हैं कि थ्री, टू लेस देन थ्री, ऐसे हमें दो क्वांटिटी यहाँ पर मिलती है एंड दो पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, इसीलिए हम उसको रिलेशन कहते हैं। ऐसे नहीं कभी करते कि टू लेस देन, ऐसे रिलेशन हम कभी डिफाइन नहीं करते। हम जब भी रिलेशन डिफाइन करेंगे तभी टू पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेते ही है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, रिलेशन को डिफाइन करेंगे सेट थ्योरी में कि कैसे वो डिफाइन होता है। वहाँ पर सेट थियोरी में रिलेशन की बात करेंगे, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन को हम बोलेंगे कि ये फंक्शन है, उसकी हम हमारे लेक्चर्स में आगे बात करेंगे। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर पेयर क्या है? इफ टू एलिमेंट्स आर written in a specific order, then they form say ordered pair. Then they form say ordered pair. इसको डिफाइंड एज ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ऑर्डर पेयर ए बी को, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। ए हमें कोई भी सेट दिया गया है 1,2 एंड बी कोई सेट दिया गया है ए कॉमा बी, ठीक है। तो यहाँ पर दो सेट गिवन है हमें, तो हमें पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स उसकी निकालनी है। कितनी मिलेगी हमें? तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आएगी? 1,A। दूसरी क्या आएगी? 1,B। 2,A। 2,B। फिर 1,1। 1,2। B,1, B,2। इतने हमें पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स ये दोनों सेट्स की मिलेंगी, ठीक है। अब देखते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट
कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम A टू B। कि हमें दो सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, तभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं, उसके अलावा हम डिफाइन नहीं कर सकते। हमें हमारे पास दो सेट हो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हम डिफाइन कैसे करेंगे? कि ऐसे सेट्स का कलेक्शन, ऐसे ऑर्डर पेयर्स के सेट्स का कलेक्शन कि जो बी टू ए से हो, ठीक है। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऐसी ऑर्डर पेयर्स ए बी सच दैट ए इन ए एंड बी इन सेट बी, ठीक है। ऐसे ऑर्डर पेयर्स का कलेक्शन हमें लेना है कि फर्स्ट जो एलिमेंट्स है वो सेट ए में से आना चाहिए एंड बी वो बी सेट में से आना चाहिए। बी क्रॉस ए को ऐसे डिफाइन करते हैं हम, बी क्रॉस ए हमें डिफाइन करना हो तो इसको ऐसे हम डिफाइन करेंगे कि ऑर्डर पेयर बी ए सच दैट बी इन बी एंड ए इन ए, ऐसे हम डिफाइन करेंगे। ये हुआ हमारा बी क्रॉस ए। यहां पर हमें एग्जांपल गिवन है, ठीक है। ए हमें दिया गया है 1 2 एंड बी दिया गया है ए बी, तो हमें फाइंड करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए टू बी। तो हमें ऑर्डर पेयर्स का कलेक्शन, ऐसे ऑर्डर पेयर्स का कलेक्शन लेना है जो फर्स्ट एलिमेंट्स हो, कंपोनेंट्स हो, वो ए में से हो एंड सेकंड वो बी में से हो। मतलब कि हमें 1 ए में से चूज किया हमने, तो ए बी में से चूज करेंगे हम। फिर से 1 बी में ए में से चूज किया तो बी बी में से चूज करेंगे। फिर से 2 लेंगे ए 2 बी, तो हमें ऑल इतनी ही ऑर्डर पेयर मिलती है, ठीक है। ऐसे हम फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी को। बी क्रॉस ए को कैसे फाइंड करेंगे हम? कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट्स जो है वो बी में से होना चाहिए एंड सेकंड एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर्स में वो ए में से होना चाहिए। मतलब कि 1 ए है तो ए 1 हो जाएगा, यहाँ पर बी क्रॉस ए में बी 1 हो जाएगा, यहाँ पर ए 2 हो जाएगा, यहाँ पर बी 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे कि ऐसा ऐसी ऑर्डर पेयर्स का कलेक्शन जो फर्स्ट एलिमेंट्स होगा वो बी में से आएगा एंड सेकंड एलिमेंट्स होगा वो ए में से आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे ऑर्डर पेयर्स फाइंड करते हैं बी टू ए एंड ए टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो ये हुई कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात। अब सब नोट्स देखते हैं। उसमें फर्स्ट नोट है कि जब भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल होगी, कोई भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल होगी, ए बी एक ऑर्डर पेयर है इक्वल टू सी डी दूसरी ऑर्डर पेयर है, जब भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल होगी तब भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स दोनों के वो भी इक्वल होंगे, वो इफ एंड और लीफ ए इज इक्वल टू सी होगा एंड बी इज इक्वल टू डी होगा। जब भी कोई भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तब भी हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स दोनों के इक्वल होंगे एंड सेकंड एलिमेंट्स दोनों के इक्वल होंगे।
दोनों के फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल है एंड सेकंड एलिमेंट्स भी इक्वल है, मतलब कि वो दोनों ऑर्डर पेयर वो इक्वल है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं कि कोई भी दो सेट हमें गिवन हो, उसमें एलिमेंट्स गिवन हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, हमें पी गिवन हो एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमें क्यू गिवन हो, तब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ ए डॉट नंबर ऑफ क्रॉस नंबर ऑफ बी, मतलब कि पी क्यू एलिमेंट्स मिलेंगे। मतलब कि दो सेट हमें गिवन हो, उसमें एक सेट में पी एलिमेंट्स हैं, बी सेट में क्यू एलिमेंट्स हैं, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी हमें पी क्यू एलिमेंट्स मिलेंगे। एंड हमें बी क्रॉस ए फाइंड करना हो, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं, तो वो भी क्यू क्यू पी मिलेंगे। पी क्यू बोलो या क्यू पी, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटिटी होल्ड हो रही है इसलिए। ठीक है, तो अब थर्ड देखते हैं। थर्ड नोट क्या है कि ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट है एंड ए और बी में से कोई भी इनफाइनाइट सेट हो, गिवन हो हमें, ए बी नॉन एम्प्टी है, ए और बी कोई भी इनफाइनाइट सेट है, या तो फिर ए है या बी है, तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी बी इनफाइनाइट मिलेगा। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी हमें इनफाइनाइट मिलेगा, मतलब कि ए बी सेट, ए हो या बी हो इनफाइनाइट सेट, तो हमें उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट मिलेगा। नंबर फोर देखते हैं, ए क्रॉस ए क्रॉस ए हमें फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करेंगे, ऐसी ऑर्डर पेयर्स जो ए बिलोंग ए बी एंड सी बिलोंग्स टू इन ए, ऐसे हम फाइंड करते हैं। ए क्रॉस ए क्रॉस ए मतलब कि ए बी सी, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। ए बी सी को हम इज कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, उसको हम ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। फोर हो तो हमें एक और एलिमेंट्स बढ़ा देंगे इस ऑर्डर पेयर में। ठीक है, वैसे ही हम आगे आगे कर सकते हैं, मतलब n एलिमेंट्स हो तो यहाँ पर n ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे हमें। यहाँ पर टू एग्जांपल दिए गए हैं। एग्जांपल नंबर वन, इफ x प्लस वन ऑर्डर पेयर ऑफ x प्लस वन एंड y माइनस टू इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर 3 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, हमें फाइंड वैल्यू x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमने देखा था नोट्स में कि जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगी तब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, मतलब कि सिंस टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल if and only if the corresponding elements are equal, therefore x plus 1 is equal to 3 and y minus
टू इज इक्वल टू वन, देन एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू थ्री। तो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल गई। ठीक है, जब भी तो कोई ऑर्डर पेयर इक्वल होगी तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो उससे हमें एक्स की एंड वाई की वैल्यू मिल गई। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर टू देखते हैं। इफ पी इज इक्वल टू ए बी सी एंड क्यू इज इक्वल टू आर, फ्रॉम द सेट्स पी क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस पी आर दीज टू प्रोडक्ट्स आर इक्वल। ऐसा कहा गया है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट। फर्स्ट हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q क्या होगा, तो हमें P P में से फर्स्ट एलिमेंट्स लेना है ऑर्डर पेयर में से, मतलब A R B R एंड C R। ठीक है, इतना P क्रॉस Q में इतने ही एलिमेंट्स मिलेंगे हमें, Q क्रॉस P में कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, तो फर्स्ट Q में R है, सेकंड ए, दूसरी ऑर्डर पेयर आर बी, तीसरी आर सी, तो ये हमें क्यू क्रॉस पी मिल गए। अब ए और ये ऑर्डर पेयर क्या इक्वल है, नहीं, क्योंकि हमें इक्वालिटी लॉ में कहा गया था कि तभी इक्वल हो सकती है जब भी कि ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो या दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो, तभी इक्वल हो सकती है। यहाँ पर ये इक्वल नहीं है। ठीक है, वी कंक्लूड दैट ए आर ऑर्डर पेयर इज नॉट इक्वल टू आर ए ऑर्डर पेयर, हेंस देन पी क्रॉस क्यू, देन ऑर्डर पेयर ही इक्वल नहीं है, मतलब एलिमेंट्स ही इक्वल नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं हम कि दो सेट इक्वल है। P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल नंबर थ्री गिवन है। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 3 4, C इज इक्वल टू 4 5 6। फाइंड करना है हमें फर्स्ट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, सेकंड फाइंड करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, थर्ड फाइंड करना है A क्रॉस B यूनियन C एंड फोर्थ फाइंड करना है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना पड़ेगा, B इंटरसेक्शन C फाइंड करेंगे, B यूनियन C फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमने डेफिनेशन देखी थी इंटरसेक्शन की, उसमें क्या था कि कॉमन एलिमेंट्स है बी एंड सी में, वो हमें बी इंटरसेक्शन सी में आएंगे। फोर अकेला ही कॉमन एलिमेंट्स है बी इंटरसेक्शन सी में, बी एंड सी में। ठीक है, अब बी यूनियन सी फाइंड करते हैं, तो वो में बी यूनियन सी की भी डेफिनेशन हमने देखी है प्रीवियस लेक्चर में, वो उसमें क्या लेते हैं कि जितने हैं एलिमेंट सारे के सारे लेते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हम एक ही बार लेते हैं। ठीक है, मतलब 3 4 5 6 इतना बी यूनियन सी में कलेक्शन आएगा। अब ए क्रॉस फर्स्ट देखते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो हमें ए सेट क्या गिवन है 1 2 3 1 2 3, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ मतलब 4 के साथ लेना है, तो हमें क्या क्या ऑर्डर पेयर मिल सकती है कि एक तो 1 4 मिलेगी, 2 4 मिलेगी, 3 4 मिलेगी। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट ए हमने शो फाइंड कर दिया, ये रहा। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें फर्स्ट ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ए क्रॉस सी भी फाइंड करना पड़ेगा, तो ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2
थ्री एलिमेंट्स हैं, क्रॉस बी में थ्री फोर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमें उसकी ऑर्डर पेयर्स बनानी है जितनी भी हो सकती है पॉसिबल। वन थ्री मिलेगी हमें, टू थ्री मिलेगी, थ्री थ्री मिलेगी, उसके बाद वन फोर मिलेगी, वन टू फोर मिलेगी, थ्री फोर मिलेगी, इतनी हमें ऑर्डर पेयर मिलेगी ए क्रॉस बी में। बी अब ए क्रॉस सी फाइंड करना है हमें, ए क्रॉस सी मतलब वन टू थ्री, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट सी मतलब फोर फाइव सिक्स के साथ करना है, ठीक है। तो हमें कितने ऑर्डर पेयर्स मिलेंगी हमें, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, थ्री फोर, थ्री फाइव एंड थ्री सिक्स। तो हमारा ये ए क्रॉस बी हमें मिल गया, ये ए क्रॉस बी मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है सेकंड में, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, मतलब कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन करना है उसका ए क्रॉस सी के साथ, ठीक है। तो हमें कॉमन जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वही हम लिखेंगे, वन थ्री, यहाँ पर वन थ्री है, यहाँ पर नहीं है, टू थ्री, टू थ्री, यहाँ पर टू थ्री नहीं है, थ्री थ्री, थ्री थ्री, यहाँ पर नहीं है, वन फोर, वन फोर है, मतलब वन फोर कॉमन एलिमेंट्स मिला हमें, तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो वन फोर मिला हमें, टू फोर, टू फोर, टू फोर है, थ्री फोर, थ्री फोर भी है, वन फोर, टू फोर एंड थ्री फोर में इतने मिलेंगे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब थर्ड फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या होगा। बी यूनियन सी हमने फाइंड किया था, ये रहा ए, ए वन टू थ्री क्रॉस थ्री फोर फाइव सिक्स, कितने एलिमेंट्स मिलेंगे हमें, थ्री क्रॉस फोर, ट्वेल्व एलिमेंट्स मिलेंगे। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं वो लिखते हैं, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स, ये ट्वेल्व है कि नहीं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व हो गए, तो हमारे एलिमेंट्स हो गए ए क्रॉस बी, हमने ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड कर दिए। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी हमें लिखना है। यूनियन में तो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, मतलब इसके इसके सारे के सारे जितने कॉमन एलिमेंट्स हैं वो एक ही बार हम लिखते हैं, तो लिखते हैं चलो, वन थ्री, टू थ्री, थ्री थ्री, टू थ्री, थ्री थ्री, वन फोर, टू फोर, थ्री फोर, वन फोर, टू फोर, थ्री फोर, एंड इसके भी सारे के सारे एलिमेंट्स वन फोर आ गए हैं, वन फाइव नहीं आया, वन सिक्स
आएगा, 2 4 आ गया है, 1 6 2 4 आ गया है, 2 5 नहीं आया है, 2 6 नहीं आया होगा, 3 4 3 4 आ गया है, मतलब 2 5 2 6 3 5 3 6 2 5 2 6 3 5 3 6 इतने एलिमेंट्स हमें ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में मिलेंगे, ठीक है, हमें इतने एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ये सब हमने चारों के चारों फाइंड कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर गिवन है एग्जांपल नंबर 4। इफ पी सेट में गिवन है 1 2 एलिमेंट्स का, फ्रॉम द सेट पी क्रॉस पी मम्मी पी क्रॉस पी फाइंड करना है, मतलब ट्रिपलेट्स की ऑर्डर पे आएंगे, ट्रिपलेट्स आएंगे, ठीक है। तो 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2 तो क्या आएगा, 1 1 1 एलिमेंट्स आएगा फर्स्ट, 1 1 2 एलिमेंट्स आएगा, उसके बाद 1 2 1 एलिमेंट्स आएगा, 1 1 2 2 एलिमेंट्स आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 1 1 एलिमेंट्स आएगा, 2 1 2 एलिमेंट्स आएगा, उसके बाद 2 2 1 एलिमेंट्स आएगा, 2 2 2 1 1 1 एलिमेंट्स, 1 1 2 एलिमेंट्स, मतलब इसमें से ये आ गई हमारी ऑर्डर पे, तो अब हम इस एलिमेंट्स को लेंगे। उसके बाद हम इंटरचेंज कर देते हैं, 1 आ गया हमारे बीच वाला एलिमेंट्स, उसके बाद हम 2 2 पे जाते हैं बीच वाले सेट्स में, मतलब यहाँ पर 1 आ गया, तो अब 2 2 से हमने ऑर्डर पेयर बनाई, और उसके बाद हमने यहाँ पर 2 लिया फर्स्ट एलिमेंट्स, पी में से 2 2 लिया फर्स्ट एलिमेंट्स, उसके बाद भी 4 मिलेगी एंड 1 वाले की भी 4 मिलेंगी, ठीक है। तो उसके लिए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 मतलब 4 8 8 एलिमेंट्स हमें इसमें मिलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं ट्रिपलेट, ट्रिपलेट की 3 सेट्स का कार्टेजियन प्रोडक्ट था ये, उसको हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट, मतलब कि ऐसा कोई भी सेट हो तो हम ए बी सी सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू इन पी, ठीक है, ऐसी ऑर्डर पेयर हम बनाते हैं सारी की सारी, मतलब ए बी सी बिलोंग्स टू इन पी में हो, तो हमने वैसे ही ऑर्डर पेयर फाइंड की। अब एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं, इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रियल नंबर का सिंबल है ये, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस आर एंड आर क्रॉस आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट, उसका सॉल्यूशन देखते हैं, मतलब ये आर रियल नंबर है हमारा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस आर क्या होगा, तो ऐसी ऑर्डर पेयर जो एक्स वाई बिलोंग्स टू इन आर रियल नंबर में से हो, मतलब हमें 2 डायमेंशन के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, इसलिए इसमें आर क्रॉस आर में, एंड आर क्रॉस आर में कितने एलिमेंट्स, क्या ट्रिपलेट होगी एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू इन रियल नंबर, तो उसमें 3 डायमेंशनल के सारे एलिमेंट्स मिलेंगे आर क्रॉस आर क्रॉस आर में, मतलब इस आर क्रॉस आर का कार्टेशियन प्रोडक्ट को में से 3 डायमेंशन की हमें सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे इसमें से, एंड 2 डायमेंशन में आर क्रॉस आर में से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट ये करता है।
ये थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंट करता है, ये टू डायमेंशनल रिप्रेजेंट करता है, ये वन डायमेंशनल रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमें एग्जाम्पल नंबर सिक्स दिया गया है, इफ ए क्रॉस बी, ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी, हमें ये ऑर्डर पेयर्स, फोर ऑर्डर पेयर्स गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, वो सेट क्या होंगे जिसका हम ऑर्डर पेयर ले रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ए क्रॉस बी, तो हमें ए क्रॉस बी की डेफिनेशन पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कि फर्स्ट एलिमेंट्स ऐसी ऑर्डर पेयर्स का कलेक्शन जो फर्स्ट एलिमेंट्स होगा वो ए में से होगा एंड सेकंड एलिमेंट्स होगा वो बी में से होगा। मतलब कि पी, पी किस में होगा, ए सेट में होगा पी, एंड क्यू किस सेट में होगा, बी में होगा। मतलब हम सेट ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू क्यू, पी, पी हमारा आ गया ए सेट में, आर वो बी में होगा तो पी आर, फिर एम, एम ए में होगा, मतलब एम आ गया हमारा, फिर क्यू, क्यू आ गया है बी में, एम मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर का, वो रिप्रेजेंट क्या करता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का फर्स्ट सेट का एलिमेंट्स है वो, एंड जो सेकंड एलिमेंट्स है कार्टेशियन ऑर्डर पेयर्स का, सेकंड जो एलिमेंट्स होता है वो सेकंड कार्टेशियन प्रोडक्ट एफ टू बी, बी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो आप डेफिनेशन में से भी देख सकते हो। तो ये हमारा ए सेट मिल गया है हमें पी एम, एंड बी सेट मिल गया है क्यू एंड आर। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी बुक के ही थे। ठीक है, थैंक यू।